की हालत में था, लेकिन क्या है डॉक्टरों के 3 दिन के न आने से यहाँ पर क्या है उसकी अचानक हालत बिगड़ी है और वो क्या है मतलब शांत हो गए। मुझे बढ़िया इलाज चल रहा था, सब कुछ था, रिकवर हो रहे थे, सब कुछ था, डेथ हो गई है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज को लेके, सुनवाई हो, सब परेशान हो रहे हैं, किसी भी आवश्यकता है मरीजों को डॉक्टर चाहिए जिससे उनका क्या है अच्छे तरीके से इलाज हो सके। जो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस कारण मरीजों को क्या समस्या आ रही है? सर समस्या तो बहुत सारी है, सभी पेशेंट्स के लिए अलग अलग समस्या है, उसको मैं तो डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पेशेंट के साथ में क्या समस्या आई। मेरा पेशेंट यहाँ करीब 22 दिनों से एडमिट था, वो ओके था और क्या है रिकवरिंग की हालत में था, रिकवरिंग की हालत में था, लेकिन क्या है डॉक्टरों के 3 दिन के न आने से यहाँ पर क्या है उसकी अचानक हालत बिगड़ी है और वो क्या है मतलब शांत हो गए। मुझे इसका बहुत अफसोस है, मेरे फैमिली मेम्बर थे, बढ़िया इलाज चल रहा था, सब कुछ था, रिकवर हो रहे थे, सब कुछ था, लेकिन क्या है 3 दिन से उनकी थोड़ी सी धीरे धीरे हालत ख़राब हुई और बीपी लो हुआ उनका और डॉक्टर ने बोला अब इनका क्या है डेथ हो गई है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को लेके। मैं ये चाहता हूँ हमारी जो सरकार है इसके बारे में क्या है थोड़ी सी अच्छे तरीके से डॉक्टरों की सुनवाई करें और जिससे क्या है डॉक्टर काम पर आए और मरीजों की आम जनता सभी बचे और क्या है सबकी सुनवाई हो, सब परेशान हो रहे हैं, जनता के बारे में सरकार की वो सुध लेनी चाहिए। तो जो डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी वो उचित है या नहीं, या सरकार कोई देखिए ऐसा है हर व्यक्ति की अपनी अपनी दैनिक आवश्यकता है, डॉक्टरों की भी क्या है अपनी आवश्यकता है, हर व्यक्ति की आवश्यकता है, मरीजों की भी आवश्यकता है, मरीजों को डॉक्टर चाहिए जिससे उनका क्या है अच्छे तरीके से इलाज हो सके, समय पर इलाज हो सके और वो क्या है अच्छे से स्वस्थ हो सके। लेकिन क्या है सरकार अगर इसके प्रति जनता के प्रति जागरूक नहीं होगी, डॉक्टरों की अगर सुनवाई नहीं करेगी, तो मेरी नज़रों में तो क्या है जनता की अगर सुनवाई नहीं होती है तो सरकार को लाना ही बेकार है। मेरी नज़रों में सरकार को डॉक्टरों की और जनता की सुनवाई करनी चाहिए। सरकार को डॉक्टरों की और जनता की सुनवाई करनी ही पड़ेगी, अगर जनता की सुनवाई नहीं करती है, डॉक्टरों की सुनवाई नहीं करती है, तो जैसे ये बता रहे हैं इनके 22 दिन से पेशेंट एडमिट था और जब से डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं फिर धीरे धीरे तबीयत बिगड़ी और आज वो शांत हो गए।